हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम बनाएंगे बनाना आइसक्रीम। ये देखिए, आज हमने समर स्टार्ट हो चुकी है तो हमें ठंडा ठंडा कुछ खाने को चाहिए होता है पीने के लिए ठंडा, तो इसीलिए मैंने इस लॉकडाउन में आप लोग आइसक्रीम को कर रहे होंगे मिस, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक हेल्दी आपको एक आइसक्रीम बनाना बताया जाए और बहुत ही ईजी बन जाती है, बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स का चाहिए इसको और फ्रूट वाली है तो ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी और हेल्दी भी है। तो इसको बनाने के लिए देखते हैं हमें किस किस इन्ग्रीडियंट। तो फ्रेंड्स, बनाना आइसक्रीम बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए चाहिए मुझे 4 बनानास और शुगर आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून ली है, आप चाहे तो शुगर नहीं ले क्योंकि बनाना में भी अपना शुगर होता है। और 1/2 केजी मिल्क चाहिए, उसको बॉयल करना है। आपने बॉयल तब तक करना है जब तक कि वो हाफ ना रह जाए, मतलब 250 ml तक ना रह जाए, 250 ml तक, तब तक आपने इसको करना है। आप इसमें कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, बटर स्कॉच डालना चाहें आप बटर स्कॉच डाल सकते हैं, आप चाहें वनीला डाल सकते हैं या कोई भी आप रू अफ़ज़ा डाल सकते हैं या कोई भी जैम, बच्चों को बहुत पसंद होता है तो आप कलर के लिए जैम वगैरह भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बनाना को हम लोग पील कर लेंगे और इसके कट कर लेंगे। इसको कट करके हमें इसको फ्रोजन करना है 7 to 8 hours तक के लिए। इसके लिए मैंने पहले से इसको फ्रोजन करके रखा हुआ है। मैंने इस तरीके से इसको फ्रोजन करके 6 to 7 घंटे, आप या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप बनाना को कट करके आप किसी भी, चाहे आप पॉली बैग में, जिपलॉक बैग में, किसी में भी इस तरीके से, लेकिन कवर करके रखिएगा कि आइस क्रिस्टल इसमें ना बने ज़्यादा। तो इस तरीके से मैंने इसको करके रखा हुआ है। सारे मेरे ये 7 to 8 घंटे हो गए हैं, बहुत अच्छे से फ्रोजन हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से जम गए हैं। इसे मैं निकाल लूँगी, पहले सारे इसी तरीके से मैं निकाल लूँगी। मैं ले लूँगी एक मिक्सी का जार और इसमें अपने जो फ्रोजन किए हुए मेरे बनानास हैं इसे मैं डाल दूंगी। मैंने इसको बनाना में बनाया है, आप इसे इसी तरीके से एप्पल से या किसी भी अच्छे कोई भी फ्रूट से आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने सारे बनाना डाल दिए हैं, अब इसमें ऐड कर दूंगी अपना मिल्क। अभी मैंने 1/2 ही करा है और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से हम। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, थोड़ा सा देखिए काफ़ी अच्छा थिक भी हो चुका है, मेरा क्रीमिश हो रहा है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपने शुगर। शुगर अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं और जो बाकी का मिल्क मेरा बचा हुआ है वो भी ऐड कर दूंगी। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, देखिए काफ़ी अच्छा सा हो गया है, थिक भी हो गया है। अब इसमें आप चाहें अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग, आपके बच्चों को जो पसंद हो, आप चाहें इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं या कोको पाउडर, अगर उसको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं डाल दूंगी जैम 1 tablespoon जितना, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, बच्चों को पिंक कलर ना बहुत पसंद आता है तो इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। मैंने डाल दिया है जैम और इसको फिर से मैं 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लेंड कर दिया है, कितना अच्छा सा कलर आ गया है और ये कलर ना बच्चों को बहुत पसंद आता है पिंक कलर। आप इसमें चॉकलेट वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं, कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं आप इसमें। अब मैं ले लूँगी इस तरीके का 1 tin, आप कुछ भी, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और इसमें मैं पोर कर दूंगी अपना बैटर। देखिए कितना स्मूथ बना है, मैंने सारा बैटर डाल दिया है। अब इस पे डाल दूंगी मैं ड्राई फ्रूट, आप कोई भी, जो भी आप आपकी पसंद के, बच्चों को आपके पसंद हो वो आप डाल दीजिए इसमें। मैं इसमें डाल रही कुछ किशमिश, टूटी फ्रूटी, मेरे पास में रेड कलर की टूटी फ्रूटी है आज, मैं ये भी ऐड कर दूंगी, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। इस तरह की कोई भी चीज़ बच्चों को अगर बना के दे दो ना कुछ डिफरेंट सी, और ये हेल्दी भी है, फ्रूट्स की बनी हुई है तो कुछ ऐसा भी नहीं है, हेल्दी भी है ये बच्चों को। अगर आपके बच्चे खा भी रहे हैं आइसक्रीम तो आपको कोई वैसा टेंशन नहीं है। और कुछ भी इस पर मैंने कुछ भी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करी है, कोई हैवी क्रीम नहीं यूज़ करी, कुछ व्हिपिंग क्रीम नहीं यूज़ करी, तो ये अच्छी भी है। इस तरीके से मैं इसको डाल दूंगी। अब मैं ले लूँगी एक फॉइल पेपर, आप क्लीन रैप भी ले सकते हैं, और इसको कवर कर दूंगी। मैंने वो एक वाला ले लिया अपना, इससे इससे क्या होगा, इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे।
मैंने इसको फॉइल पेपर से कवर कर दिया है। अब इसको मैं 6 से 7 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए मैं इसको जमने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स ओवरनाइट हो चुकी है और मेरी आइसक्रीम भी देख लेते हैं। बहुत अच्छे से मेरी आइसक्रीम जम गई है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो इसको निकाल लेते हैं, देखिए कितनी अच्छे से जमी है मेरी आइसक्रीम। आप इसको ग्लासेस में सर्व करेंगे। अब मैं इसको गार्निश करूंगी चोको चिप्स, और ये भी मेरे होममेड है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत ही इजी घर पे आप चोको चिप्स को बना सकते हैं। देखिए मैंने इसको, आप चाहें तो इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए चाहे जैसे भी, बट बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद आती है इसीलिए मैंने करी है चॉकलेट चिप से इसको गार्निश। तो गाइस रेडी है मेरी बनाना आइसक्रीम, देखिए बहुत झटपट बन गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही यम्मी बनती है, क्विक भी बन जाती है और हेल्दी भी है क्योंकि बनाना फ्रूट में आता है। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, हेल्दी भी है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथ में लगा बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए गाइस फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।